इंदौर में एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक भांजे ने अपने मामा की हत्या कर दी, वो भी मामी के लिए। पुलिस ने भांजे समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 4 आरोपी नाबालिग हैं। हत्या के पीछे भांजे शुभम का मृतक रूप सिंह की पत्नी पूजा यानी कि उसकी मामी से प्रेम प्रसंग था। पुलिस की माने तो इस हत्याकांड में मामी यानी कि पूजा भी शामिल थी, क्योंकि वो भी अपने भांजे के प्यार में पागल थी। के आधार पर कुछ लोगों के नाम संदेह के रूप में सामने आए, जिनसे अलग से बुला करके पूछताछ करी गई। पूछताछ के दौरान उनसे जब उनको तकनीकी साक्ष्यों से सामना कराया गया, तब ये चीज़ का खुलासा हो पाया कि असल में ये एक एक्सीडेंट ना हो करके एक षड्यंत्र रचकर हत्या की साजिश थी, जिसका खुलासा किया गया। इसमें हत्या में जो मृतक की पत्नी थी, उसने अपने भांजे के साथ मिलकर मृतक को मारने का षड्यंत्र रचा था, और जो भांजा है उसने अपने दोस्तों को पैसों का लालच दे करके इस हत्या में शामिल होने के लिए राज़ी किया था। और 2 दिन पूर्व से इन्होंने प्लान बना करके 2 दिन पूर्व में इन्होंने पूरे घर की लोकेशंस, आसपास कहां कहां कैमरे नहीं उनको देखा, तलाशा और रूट्स तय किए कि कहां पर जाना है, कैसे डिस्पोज करना है, इन सब चीज़ों पर विश्लेषण किया। उसके बाद में 14 तारीख की रात को देर रात इनके दोस्त जो थे भांजे के, वो वहां पर घर पे पहुंचे। बताया जा रहा है कि मृतक के घर में ही पत्नी और भांजे ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, और फिर इस घटना को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शव को एक्टिवा सहित घर से 1 किलोमीटर दूर फेंका है। पुलिस को भी शुरू में ये पूरा मामला एक्सीडेंट का ही लगा। डॉक्टर ने भी पोस्टमार्टम में एक्सीडेंट से मौत होना माना था, लेकिन जब पड़ताल शुरू हुई तो मामले का खुलासा हो गया। घटना के वक्त मृतक का 6 साल का बेटा घटनास्थल पर मौजूद था। उसने पुलिस को घटना के बारे में बताया, तभी साफ होने लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।